الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلِّ عليه قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا من المجرمين لمنتقمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم मोहतरम बुज़ुर्गों अज़ीज़ प्यारे भाइयों प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू बड़ा अहम है, करंट इशू बना हुआ है हमारे माशरे के अंदर, हमारे दीन के, हमारी तहजीब के, हमारी सकाफत के, हमारे माशरती निज़ाम के अंदर और बाहर के दुश्मनों ने, बेलगाम आज़ादी चाहने वालों ने, हमारे मुल्क के कानून और आइन के अंदर एक ऐसी नकब लगाने की कोशिश की है जिसके असरात हमारे आने वाली नस्लों पर पड़ेंगे, और न सिर्फ हमारे आने वाली नस्लों पर पड़ेंगे, हमारे मौजूदा हालात भी उससे बड़े मुतासर हों। खिलाफत उस्मानिया का जब खात्मा किया गया पिछली सदी के अंदर, तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहला जो काम किया
वो तुर्की के मुसलमानों के आइन और सिस्टम को गैर इस्लामी बनाना था। कवानीन के अंदर तब्दीलियां की गई। फिर अतातुर्क के ज़माने में ऐसे हालात बने, अरबी जबान में अजान के ऊपर, खुतबा जुम्मा के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, अरबी रस्मुल खत के अंदर तहरीर करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। मुसलमान उलमा जो अपनी इज्जत एहतराम के हवाले से एक लिबास, एक चुगा या एक अमामा या वो पहनते थे, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। यूनिवर्सिटियों के अंदर नौजवान ख्वातीन के लिबास को इंतहाई बेहुदा कर दिया गया, नकाब और हिजाब के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई। और पिछले इस सदी के आगाज चाहता हूँ जो कुरान मजीद के अंदर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र 27 मकाम पर आता है, कभी पढ़े और आजकल के हालात में लाजमी पढ़े। ये कितना घनौना और कितना गलीज काम है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अजाबों के साथ बड़ी बड़ी कौमें तबाह की हैं, लेकिन ये वाहिद कौम थी लूत अलैहिस्सलाम की जिसके ऊपर बयक वक्त 5 अजाब अल्लाह ने नाज़िल। और बाद मुफस्सरी लिखते हैं कि इनकी बस्ती को उठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया, वहां से जमीन पर पटकाया गया। और मैंने तिलावत के आखिर में एक छोटी सी आयत पढ़ी है, इन्ना मिनल मुजरिमीन लमुन तकमून। ये जो मैं जिक्र कर रहा हूं ना कि 27 मकाम पर लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 2-3 मकाम ऐसे हैं जहां पर अल्लाह ताला फरमाए वो मुजरिम कौम थी। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मुजरिम लोगों से हम इंतकाम जरूर लेंगे। अगर हम भी चाहते कि हमारे माशरे के ऊपर अजाब ना आए, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक मकाम पर यह बात भी रखी, अगर वक्त मिला तो आयत भी पढ़ के सुना दूंगा, कि जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल हुआ था, अल्लाह ने उसके बाद कि ये जो अजाब उस कौम पर नाजिल हुआ था जालिमों से अब भी दूर नहीं है। सबसे बड़ा जालिम वो होता है जिसको अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जाए और फिर वो मुंह मोड़े। आइए देखें अल्लाह ताला ने सवार से क्या क्या बातें हमारे सामने रखी। 8वां सुपारा सूरा अल आराफ 7 नंबर और उसकी आयत नंबर 81-80 से मैं शुरू कर रहा हूँ। वलूतन इज़काल लिकौम ही अतातून अल्फाहिशत मा सबककुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मेरी कौम के लोगों तुम वो वाला काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये कोई नया काम नहीं है जो आज निकला है। इसके रिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की कौम के उन लोगों के साथ जाकर मिलते हैं जिनको अल्लाह ने अजाब का शिकार किया। इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा। क्या तुम मर्द ऐसे हो कि जो औरतों को छोड़कर अपनी शहवत पूरी करना चाहते हो? बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। लोगो तुम हद से निकले हुए लोगो। वमा कान जवाब कौम ही इल्ला अन कालू अखरजूहुम मिन करियतकुम। उसकी कौम के लोगों का एक ही जवाब था, वमा कान जवाब कौम ही इल्ला अन कालू अखरजूहुम मिन करियतकुम। लोगो ये लूत और इसके मानने वाले जो 2-4-5 बंदे हैं, इनको अपने इलाके से निकाल दो। इन्हुम उनासुन यततहरून। हमारे पूरे इलाके में बस यही 3-4 बंदे पाक रह गए हैं। मुश्ताक खान साहब कहते हैं कि जब हम लोग कमेटी के अंदर गए तो हमें ऐसे महसूस हुआ कि शायद हम किसी गैर मुस्लिम लोगों की कमेटियों के अंदर आए हुए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि हम मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान हैं। आज उस एक मर्द कलंदर के खिलाफ पूरी असेंबली इकट्ठी है। और अगर आप सुने कौमी असेंबली की कार्रवाई अयाज सादिक स्पीकर साहब की, तो उन्होंने कहा, मुश्ताक खान साहब, हमारे इस फोरम का मिजाज ये है कि जिस सोच के साथ फोरम किसी बिल को या काम को या कानून साजी को जिस तरफ ले जाना चाहता है, अगर वो सोच वो फिक्र वाजे हो जाए तो हम राय शुमारी नहीं कराते।
सिर्फ सोच ही पता चल जाए कि लोग किधर जाना चाहते हैं। और जो मुश्ताक खान साहब ने बताया वो असेंबली और सेनेट के अंदर मौजूद है। इस कानून के पीछे आपकी सारी जमातें इकट्ठी हैं, हत्ता कि वो नाम निहाद दीनी जमातें, उन्होंने भी एहतजाज नहीं किया जो अपने आप को दीनी कहती। ये बिल पेश करने वाली 2018 के अंदर चार ख्वातीन हैं, उन चारों का ताल्लुक पीपल पार्टी के साथ, काफ लीग के साथ, नून लीग के साथ और पीटीआई के साथ। ये हमारे वो हुक्मरान हैं जो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत की ताबेदारी का हलफ पढ़ कर आते हैं। ये हमारे वो हुक्मरान हैं जिनको जनरल असेंबली के अंदर कुरान मजीद की सामने लिखी हुई आयत देखकर पढ़ना नहीं आता। ये वो हुक्मरान है जिनको सूरह इखलास पढ़नी नहीं आती। इनसे अगर आप तवक्को रखेंगे कि ये मदीना की रियासत बनाएंगे, ऐसे कवानीन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कतन नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया जब उन लोगों ने ये हालात दिखाए तो क्या हुआ, हमारा अजाब का कोड़ा बरसा, फअन जैनाहु व अहलहु इल्लम रअतहु, इतना गंदा काम था कि जब अल्लाह का अजाब आया सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम और उसके मानने वाले बचाए गए, उसकी बीवी को भी तबाह अल्लाह ने कर दिया। और मुफस्सरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने नाम जद निशान जद उनके ऊपर पत्थर बरसाए, और बाद मुफस्सरीन लिखते हैं कि पांच शाखा पत्थर थे, और लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने आकर कहा था कि सुबह सवेरे निकलने, पीछे नहीं देखना, तुम में से जो पीछे देखेगा वो अजाब का शिकार हो जाएगा। और मुफस्सरीन ने लिखा है कुछ दूर तक उनकी बीवी भी पीछे चली, लेकिन पीछे जब उसने शोर शराब और अजाब की और सारे लोगों की चीखों पुकार सुनी तो उस औरत बुढ़िया ने भी जाना, जिसको अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा अजूजा बुढ़िया, उस बुढ़िया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुफस्सरीन कहते हैं उसको भी आगे पत्थर लगा पांच शाखा उसके इस क्या कहते हैं माथे के ऊपर, और उसको भी तबाह। ये वो वाला अजाब है कि जिस अजाब के अंदर नबी की बीवी को भी बख्शा नहीं गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के 12वें सुपारे के अंदर ये बात भी इरशाद हमारे सामने रखी है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब इस काम का बेड़ा उठाया कि हम यही काम करेंगे तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, उन्होंने आकर क्या कहा, कालू या लूत इन्ना रसूल रब्बिका लन यसिलु इलैका फअस्र बिअहलिका बिकितम मिनल लैल वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्ला इमरातक, पीछे तुम में से कोई मुड़कर ना देखे, हाँ तेरी बीवी देखेगी। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, ए लूत ये वो वाली मुसीबत है जो अब टल नहीं सकती। लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ा इजहार किया कि अल्लाह ताला से कि माफ कर दिया जाए फिलहाल, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ये वो वाली मुसीबत है कि जो फिर टलेगी नहीं। और फिर अल्लाह ताला फरमाया इन मौइदहुम सुबह अलैसा सुबह बिकरीब, इस अजाब के आने का वक्त सुबह का है और सुबह दूर नहीं है। मेरे बुजुर्ग और भाइयों और अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात भी इरशाद फरमाई है, वत्तकु फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम खासा, लोगों अपने आप को उस पकड़ से बचाओ, अजाब से बचाओ जिसकी लपेट में मखसूस लोग नहीं आएंगे। हमें चाहिए अपने मुआशरे के अंदर ऐसे कवानीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, ये हमारी शरई जिम्मेदारी है। ये जो जबान का जिहाद है, कलम का जिहाद है, इख्तियार का जिहाद है, ये हमसे तकाजा करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया एक और मुकाम पर इसी अजाब के हवाले से, सुम्मा दम्मरनल आखरीन, हमने उनकी जड़ काट के रख दी। और फिर फरमाया वअमतरना अलैहिम मतरा, हमने उनके ऊपर बारिश बरसाई, फसा मतरुल मुनजरीन, डरने वालों की वो बारिश बहुत बुरी थी, पत्थरों की बारिश थी। आज मैं और आप तो ओले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह ने हमारे लिए क्या इरशाद फरमाया। ये बात सुन के अपनी पढ़ के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये 19वां सुपारा है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अश-शूरा 26 नंबर सूरत है,
घर जाके जरूर पढ़े, मुताला किया करें कुरान का। कुरान आपको इंसानों की हिस्ट्री बताता है, कुरान आपको आपका मुस्तकबिल बताता है, हाल बताता है। इसके मुताबिक भी अपनी जिंदगी को संवारें। सूरह शोरा सूरत नंबर 26 आयत नंबर 173 के 74 के अंदर इरशाद फरमाया के इन फी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरहुम मोमिनीन। लोगों इसमें निशानी है उन लोगों के लिए कि जो सबक हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सबक इंसान कैसे हासिल करे जब उसको पता ही नहीं है कि मैंने सबक लेना कहाँ है, कहाँ से है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, सूरह अहज़ाब 33 नंबर सूरत आयत नंबर 36, हमारी असम्बली के लोगों को ये बात समझनी चाहिए, आपको और मुझे भी समझनी चाहिए। हम लोग पाबंद कर दिए गए कुरान और सुन्नत के, किसी मुसलमान शख्स के लिए वो किसी भी स्टेटस के अंदर है, जिस जिस मामले का फैसला अल्लाह और रसूल कर चुके हैं उसके लिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सूरह अहज़ाब कह रही है 33 नंबर सूरत आयत नंबर 36 वमा कान लिमुमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा कज़ल्ला व रसूलु अमरन अय्यकून लहुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मुसलमान मर्द और औरत के लिए कोई इजाज़त नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का फैसला कर दे फिर उसमें से अपनी गुंजाइश निकाले। वमन यासिल्ला व रसूलहु, जो गुंजाइशें निकालेगा अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा, फकद जल्ला जलालम मुबीना, यकीनन वो भटक कर बहुत दूर चला जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला में सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। जो जो लोग इस काम के अंदर मुलविस हैं इस दुनिया में भी जलील होंगे, आखरत में भी जलील होंगे, और आपकी और मेरी ये शरी जिम्मेदारी बनती है जब वो हमारे पास आए उनके गरेबान के अंदर ज़रूर अपना हाथ डालें और कुरान और सुन्नत के हवाले से उनके सामने सवाल रखें। तुमने मुसलमान होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम के ख़िलाफ़ ये कवानीन कैसे पास किए थे, अल्लाह में जुरत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।